नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी न्याय न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अबू रोड से, जहां सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के युवा को आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट डालना पड़ा भारी। मामला पहुंचा पुलिस के पास तो बोले गलती से हो गया। शांति भंग के आरोप में 3 गिरफ्तार। DYSP बोले अगर रिपोर्ट आएगी तो करेंगे अग्रिम आवश्यक कार्रवाई। सिरोही जिले के अबू रोड शहर का है मामला। शहर में सोशल मीडिया के माध्यम से समुदाय विशेष के एक युवा के आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट डालने से शुक्रवार को दिन भर गहमागहमी बनी रही। जैसे ही यह मामला सामने आया, हिंदू समाज के प्रतिनिधि एवं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश खंडेलवाल अपने समर्थकों के साथ अबू रोड शहर पुलिस थाने पहुंचे। पदाधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई करने की मांग की। हिंदू समाज प्रतिनिधियों का आरोप था कि इस प्रकार की आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट डालने से शहर का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। इसके बाद शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में आपत्तिजनक एवं भड़काऊ पोस्ट डालने वाले युवा एवं उसके परिजनों को आबू रोड शहर पुलिस थाने पर बुलवाया गया। इस दौरान समुदाय विशेष के वरिष्ठ लोग एवं जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। पुलिस द्वारा जब आरोपी युवा से इस पोस्ट को डालने को लेकर सवाल किया गया तो पहले तो उसने इस पर अनभिज्ञता जताई, लेकिन सख्ती के बाद आरोपी एवं परिजनों द्वारा गलती स्वीकार ली गई। इसके बाद उनके द्वारा लिखित में माफीनामा भी दिया गया। शिकायतकर्ताओं द्वारा शहर में सांप्रदायिक माहौल को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने की गई मांग। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।